हाँ जी, आप कौन? वो मेम साहब ने कपड़े भेजे थे सिलने के लिए, वही लाइन। अच्छा, ला दो। कोई कमी होगी तो बता देना, मैं ठीक कर दूंगी। हाँ, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ पैसे कितने हुए? 500 रुपये। अरे बेटा कौन है? मम्मा वो कपड़े सिलने वाली है, आपके कपड़े लेके आई है, रेडी हो गए हैं। अच्छा, एक काम कर, इसे अंदर बुला ले, गर्मी बहुत हो रखी है, पानी पी के चली जाएगी। ठीक है, आओ अंदर आओ। नहीं नहीं मेम साहब, मैं पानी पीने नहीं आई हूँ, और वो क्या है ना कि दुकान खुली छोड़ी हुई है, वहाँ पे कोई है नहीं, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया, 10 मिनट लेट चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, पहले अंदर आ जा, आराम से पानी पी ले, फिर चले जाना। हाँ सही तो कह रहे हैं, आओ ना। तुम बैठो, मैं तुम्हारी पानी लेके आती हूँ। अरे अरे, तुम ये नीचे क्यों बैठ गई? सोफे पे बैठो। नहीं नहीं मेम साहब, आपका सोफा बहुत महंगा है ना, मैं बैठूंगी तो गंदा हो जाएगा, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो, सोफे का भला क्या गंदा होगा, अरे सोफा बैठने के लिए ही तो होता है, तुम आराम से ऊपर बैठो और पानी पीना। जी शिखा, बेटा पानी ले आ। लाई मम्मा, लो पानी पियो। सुनो पानी, अरे बेटा कहाँ खो गई, पानी पी ले। माफ कीजिएगा मेम साहब, मैं कुछ सोच रही थी। कोई बात नहीं, पानी पियो। पर बेटा ऐसा भी क्या सोच रही थी? मेम साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने घर पे बुला के सोफे में बिठाकर पानी पिलाया, बस यही सोच रही थी। वो क्या है ना, आज तक किसी ने इतनी इज्जत दी नहीं हमें, प्यास तो बहुत लगती थी, लेकिन किसी से पानी मांगो तो वो गुस्सा करते थे, कोई बोलता था तुम्हारी औकात नहीं है हमारे घर का पानी पीने की, तो कोई कहता था हमारे बर्तन जूठे हो जाएंगे, खुद अपना पानी लाया करो, ऐसी इज्जत कभी मिली ही नहीं। और आज भी मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पानी मांगने की, पर पता नहीं आपको कैसे पता चल गया कि मुझे प्यास लग रही है। अरे बेटा ये पता चलने वाली कौन सी बात है, अरे तू इतनी धूप में पैदल चल के आई है तो प्यास तो लगी होगी ना। जी अरे तो क्या हो गया, और पानी पिलाना कौन सा बहुत बड़ा काम है, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, और ये जाति धर्म ऊंच नीच ये सब इंसानों के बनाए हैं, भगवान ने तो सिर्फ इंसान को बनाया था ना, और हमें हमेशा इंसानियत दिखानी चाहिए, और मेरे माँ बाप ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, बस हम तो वही करते हैं। हाँ बेटा, मैंने भी अपने बच्चों को यही सिखाया है कि पैसों पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल ना रहेगा हमारे पास, इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही चला जाएगा, तो भला इस पैसे का क्या घमंड करना, इंसान के साथ जाते हैं उसके अच्छे कर्म। कितनी अच्छी सोच है मेम साहब आपकी, और आपने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, अगर आज मेरी माँ होती तो वो भी मुझे ऐसा ही सिखाती, पर कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को यही सीख दूंगी, उन्हें बताऊंगी कि ये ऊंच नीच धर्म जाति अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, जो होता है तो वो है इंसानियत। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और समझकर, धन्यवाद मेम साहब। अरे बेटा इसमें धन्यवाद की क्या बात है, अरे मैंने इतना बड़ा भी काम नहीं किया, सिर्फ पानी तो पिलाया है। अच्छा मेम साहब, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। अरे पानी तो पीते जाओ। पूरा पी लो, पी लो।
वैसे मेम साहब एक बात कहूँ, मुझे लगता था हर अमीर इंसान घमंडी होता है, हम गरीब लोगों की इज्जत ही नहीं करता, पर असल बात तो ये है कि उन्हें इज्जत करनी ही नहीं आती। लेकिन आज आपने मेरी सोच बदल दी, धन्यवाद मेम साहब। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, अरे मैंने ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने तो सिर्फ पानी तो पिलाया है जी। मैं आप चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते।